कि आपका बस क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, और जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए उनको ये लेना देना नहीं है कि आपको क्रेडिट लिमिट कितना मिलता है। तो हे गाइज, अगर आप भी SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर अदर बैंक का भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मतलब कैसे जो क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो एजेंट्स आपको लालच देते हैं और आप उस लालच में फंस जाते हैं और आपका नुकसान होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, और आपके द्वारा जो मेरे को इंस्टाग्राम पे आपने जो रिव्यू दिया है उसको भी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है जो आपको मेरे से शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ और इन्फॉर्मेशन फैला सकूँ, काफ़ी लोग को अलर्ट कर पाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी एक वीडियो शूट किया है यूनिक कार्ड का, तो अगर आप इस वीडियो को अनबॉक्सिंग शूट किया हूँ, तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दे दी हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब रही बात क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, खासकर SBI का, मैं SBI की तरफ टारगेट ज़्यादा करना चाहता हूँ, आप इसे एक नॉलेज के तौर पे लीजिए, अलर्टनेस के तौर पे लीजिए, नॉलेज के तौर पे इसलिए लीजिए ताकि आप अलर्ट रहे, फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना हो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आप SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो आपसे क्या किया जाता है, आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, पैन कार्ड मांगा जाता है, एक दो फोटोग्राफ मांगा जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड तब का बात करता हूँ। एजेंट्स कैसे आपको मूर्ख बनाते हैं मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, मेरे साथ हो चुका था। तो क्या होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं एजेंट के थ्रू, तो वहाँ से आपको एजेंट क्या लालच क्या देता है कि आपको इतना क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। कैसे भाई, उसको कैसे पता चल जाएगा कि आपको इतना क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा, यहाँ तक कि SBI कस्टमर केयर वाले के तक भी पता नहीं होता है कि आपको क्रेडिट लिमिट कितना मिलेगा, लेकिन वो लोग आपको पहले ही बोल देते हैं। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड था, मैं आपको अपना पूरा डिटेल में मे भी हो सकता है ये वीडियो लंबा जाए। तो हुआ सीन क्या था कि कुछ दिनों पहले, एक लगभग 7-8 महीना हो गया, SBI की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि आप एक बार KYC कंप्लीट कराइए। मेरे पास ऑलरेडी सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड था, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेज आए थे SBI कार्ड के, तो वहाँ पे मेरे को बार बार मैसेज आ रहा था। तो मैंने एक शेड्यूल कर लिया अपने KYC के लिए SBI कार्ड का, जिसमें एड्रेस वगैरह को अपडेट करना था, ऐसा कुछ था। तो वहाँ पे क्या होता है कि एजेंट साहब के पास आता है और बिना पूछे आपको लगता है कि आपका KYC हो रहा है, लेकिन KYC नहीं हो रहा है। वहाँ पे तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, मैं किसी दूसरे काम में बिजी था। तो वहाँ से आपसे एजेंट क्या करेगा, तुरंत आधार नंबर लेगा, OTP लेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, अंगूठा का निशान लेगा। चलिए अंगूठा का निशान एक बार लेता है तो समझ में आता है, मेरे से 2 बार अंगूठा का निशान लेता है। मतलब मैं थोड़ा क्या बोला जाए, उस समय थोड़ा एक्टिव नहीं था, कहीं मेरा दिमाग दूसरी जगह था। तो 2 बार अंगूठा का निशान लेगा, उसके बाद एक बार लेता है तो सही बात है आपका KYC हो रहा है, वो भी ऑफिशियल मैसेज आ रहा है SBI की तरफ से। तो जब दूसरा बार मेरे को KYC लिया, तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि आपका एक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन कर दिया गया है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, तो जी सर। तो मैंने पूछा कि मेरे से बिना पूछा आप कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो सर एक ऑफ़र चल रहा था जिसमें आपको 2,40,000 का लिमिट मिलने वाला है। ये सेम चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था जब मैंने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहा था, उस समय मेरे को बताया गया था कि मेरे को 1,40,000 का लिमिट मिलेगा, बल्कि झूठ ये सारी चीज़ें हैं। आपको एजेंट्स जो लिमिट बताते हैं उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, ये लोग आपको लालच देते हैं ताकि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा दें। और एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पर आपको उन एजेंट्स को 4,000 से 5,000 के बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब कमीशन मिलते हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं, बस उनका काम होता है, यही होता है उनका काम कि आपका बस क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। और जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए उनको ये लेना देना नहीं है कि आपको क्रेडिट लिमिट कितना मिलता है। आप लोग जानते होंगे कि SBI क्रेडिट लिमिट कितना देता है, उस समय मेरे से फर्स्ट टाइम बोला गया था कि आपको 1,40,000 की लिमिट मिलेगी, और मेरे की लिमिट कितनी मिली थी, 40,000 रुपीज़। इस पर मैंने, मेरे को 2 बार कुछ तिगड़म लगा के
अपना क्रेडिट लिमिट अप्रूव किया हो, मतलब इंक्रीज किया हो। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। उसके बाद सेम चीज़ मेरे व्यूअर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, मतलब बताया जाता है क्रेडिट लिमिट कुछ और मिलता कुछ और है। तो जो एजेंट्स आपको क्रेडिट लिमिट पहले ही बता देते हैं, आप अलर्ट हो जाइए। ये जो क्रेडिट लिमिट जो तय होता है, डिसाइड होता है, बैंक्स के इंटरनल पॉलिसीज होते हैं, उसको देखकर बैंक डिसाइड करता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। अगर आपको मतलब अगर आप ब्रांच विजिट करते हैं और आपको ब्रांच मैनेजर भी बोलता है कि आपको इतना लिमिट मिलेगा, ट्रस्ट मत कीजिए। ये क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट बैंक का अलग होता है, वो ही डिसाइड करता है कि आपके क्रेडिट लिमिट कितना मिलेगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।